Assalamu alaikum viewers and welcome back to this channel. So this is our third but last episode of trip to Gorakh Hill Station. Gorakh Hill Station की previous two episodes भी इस channel पे मौजूद हैं. Links आपको description box में मिल जाएंगे. ये episodes काफी detail में हैं, यानी अगर आप इस तरह के trips के लिए interested हैं तो आपको काफी help मिल सकती है. बहुत सारे लोग मुझे personally पूछ रहे थे कि why I'm not uploading the third episode or the last episode of this trip. तो बहुत ज़्यादा कुछ मसरूफियात की बिना पर आई वॉज नॉट अपलोडिंग अ सिंगल वीडियो ऑन दिस चैनल, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज ऑन कंटिन्यूस बेसिस. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना ना भूलें. मेरी मॉर्निंग तो 5:30 बजे ही हो गई थी. ड्यू टू नमाज टाइम आई वोक अप अर्ली और वैसे भी एज आई शेयर्ड बिफोर नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी. सनराइज हमारे कैंप साइट से क्लियरली विजिबल था. सनराइज व्यू मैंने काफी अच्छी तरह से इंजॉय कर लिया था. आफ्टर 6:30 AM आहिस्ता आहिस्ता सब जाग रहे थे एंड फ्रेश होने के बाद अगेन वॉकिंग पे जाने का प्लान था बिफोर ब्रेकफास्ट. ये है बालकनी से बाहर का सनराइज व्यू. ये वही रिसोर्ट की जगह है जहाँ दोपहर में जीप राइड के बाद हमने रेस्ट किया था. इस टाइम अभी इनके एम्प्लॉयज यहाँ रेस्ट कर रहे थे. रात भर यहाँ कोई कवाली की महफिल भी हुई थी जो अक्सर यहाँ पे होती रहती हैं. जा रहे हैं हम ट्रैकिंग के लिए, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट लोकेशन है. ये एक तरह की मॉर्निंग वॉक या एक्टिविटी भी बोला जा सकता है. रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने वाले एरिया में हम जा रहे हैं. जो पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहा है और लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, हमें वहाँ जाना है. मंजिल को ऊपर देखते साथ ही चक्कर आ गए थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह हम यहाँ पहुँच गए थे, जो कि काफ़ी टफ ट्रैकिंग साबित हुई थी. ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ से अभी हम चलते हुए या चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर. ऊपर पहुँचकर जो फ्रेशनेस महसूस हो रही थी वो लिटरली अनएक्सप्लेनेबल थी. पहले थोड़ी सी सांस बहाल की थी, उसके बाद स्टेयर्स से मज़ीद ऊपर में पहुंच गई थी और कुछ लोग वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे. द व्यू ऑन टॉप वाज लिटरली अमेजिंग. जहां हम खड़े हुए थे वो बेसिकली लाइट हाउस बनाया हुआ था. छोटे छोटे थोड़े दूर दराज जगहों पे ये बनाए हुए हैं. इस पहाड़ में भी छोटे रिसॉर्ट्स या रेस्ट हाउस नज़र आ रहे थे. ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ बॉर्डर इन बिटवीन सिंध एंड बलोचिस्तान. एक तरफ है खुजदार की पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ है दादू की पहाड़ियाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, यानी गोरख हिल्स. मैंने अपनी बलोचिस्तान वाली सीरीज में भी यही मेंशन किया था कि बलोचिस्तान इज क्वाइट सिमिलर टू सिंध और इनकी एक अलग ही ब्यूटी है जिसको डिस्कवर होने में काफी टाइम लग गया. ये देखें, स्टेयर्स चढ़ने से पहले मैं आपको इस टॉप से जो है वीडियो बनाकर दिखा रही थी. ये जगह जहाँ मैं अभी खड़ी हुई हूँ ये भी बहुत अच्छी जगह है. अगर फैमिली के साथ आएँ तो बैठकर चाय कॉफ़ी एंजॉय की जा सकती है. अब हो रहे हैं सुबह के तकरीबन 7:30 और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस. नीचे उतरना इतना मुश्किल नहीं लगा. ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि नज़रों में उठना मुश्किल होता है और गिरना आसान. बिल्कुल उसी तरह पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल होता है बरक्स उतरने के. हम जिस रीजन में मौजूद हैं वो डिस्ट्रिक्ट दादू कहलाता है, जो सिंध का फेमस इलाका रह चुका है डाकुओं के हवाले से. यही वजह है कि डिस्कवर होने में टाइम लग गया. ड्यू टू इलीगल क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज दीज प्लेसेस वर नॉट अप्रोचेबल और वी कैन से नॉट अ प्रायोरिटी फॉर कॉमन पीपल. या फिर सिक्योरिटी या सेफ्टी की वजह से लोग यहाँ का रुख करने का सोच भी नहीं सकते थे. उतरना आसान जरूर था, लेकिन जद्दोजहद सिर्फ उस वक्त लग रही थी जब डिसबैलेंस स्टोन्स के ऊपर पांव रखना पड़ रहा था. ये मेरे राइट पे वही रिसोर्ट रूम्स हैं जो मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी. कुछ पत्थरों वाले रास्ते ऐसे भी आए थे जिनके पत्थर हिल रहे थे और उनके पत्थरों पे पांव रखकर हमें आगे बढ़ना था. ये जगह काफी स्लोप पे थी, इतनी थी कि खौफ आ रहा था और हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे उतरते वक्त, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने हमें सख्ती से बोला कि हाथ छोड़ दें और वाकई काफी आसानी हुई फिर उतरने में. आफ्टर डूइंग दैट लॉन्ग वॉक हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं. रेस्टोरेंट वापस आकर हमने थोड़ा रेस्ट किया एंड आई वॉज ऑन दी स्लीपर्स राइट. यहाँ आके मुझे पता चला कि आई एम वेरी डेयरिंग कि स्लीपर्स के साथ हिल्स में जो है वो सफ़र किया जा रहा है. येस, आई वॉज ऑन दी स्लीपर्स ऑल द टाइम ओनली वाइल वॉकिंग. इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड, बट किसी वजह से मेरी मजबूरी हो गई थी. तो जनाब, ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया था आफ्टर 7:40. आलू और अंडे का कुछ मिक्सचर सा इन्होंने बनाया हुआ था और साथ में चनों का सालन भी था.
ये हलवा पूरी वाले चने के सालन से बिल्कुल मुख्तलिफ था, टेस्ट में भी और लुक वाइज भी। साथ में पराठा था एंड इट्स काइंड ऑफ चपाती पराठा। मुझे तो ये पराठा बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये क्रिस्पी होने के साथ साथ ऑयली नहीं था। साथ में सर्व की गई थी चाय, कुछ लोगों को सालन पसंद नहीं था तो उन्होंने सेपरेटली ऑमलेट या फ्राइड एग मंगवाया था। आई विल रेट दिस ब्रेकफास्ट 8.5 out of 10। ब्रेकफास्ट के बाद हमें कोई 20 मिनट का टाइम मिला था पैकअप और फ्रेश होने का, और उसके बाद हम तकरीबन 8:15 तक निकल चुके थे। वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल सा जाहिर है, जिस तरह आपने एपिसोड 1 में एक्सपीरियंस किया था कि हम स्टीप जीप के साथ ऊपर जा रहे थे, तो उसी तेजी के साथ हम नीचे जरूर आ रहे थे लेकिन काफी दुश्वारियां और मुश्किल सामने नजर आ रही थी। रोड्स काफ़ी जिगजैग थे और पत्थर बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे थे, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा था, कहीं पाइपलाइन वगैरह का वर्क चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी को टर्न करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पे टर्न्स बहुत ज़्यादा थे। और ये हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे हैं कि 40-45 मिनट्स के डिस्टेंस पे बिल्कुल अलग रूट में एक डैम भी मौजूद है, वहाँ पे भी टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। बात की जाए अगर सिंध की तो इंटीरियर में यानी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें डिस्कवर होने में या टूरिस्ट पॉइंट बनाने में अभी टाइम लगेगा। दूर दूर तक हमें बस पहाड़ी नज़र आ रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो ये खूबसूरत दिख रहे थे। उतरते वक्त ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा विजिबल थीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत आराम से बैठे हुए थे, हम अभी भी एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। यानी आप अगर गोरख हिल्स ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत फिट होकर जाना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। या फिर अगर नॉर्दर्न एरियाज या इस तरह के इलाकों में आप जा रहे हो तो आपको फिट होना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है। गोरख हिल से वाही पानी का रास्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे का है, डिपेंड करता है कि आपकी जीप खराब ना हो जाए रास्ते में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये पीछे नजर आने वाली जीप हमारी दूसरे ग्रुप की ही जीप है जो हमसे पहले ही वाही पानी पहुंची हुई थी, हालांकि हमारी जीप भी काफी नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी। ये ट्रैवलिंग इतनी एनर्जेटिक थी कि तकरीबन 45 से 1 आवर के बाद सब सो गए थे इंक्लूडिंग मी। जैसे जैसे हम वाही पांडी की तरफ बढ़ते जा रहे थे गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, हालांकि अभी सुबह का टाइम हो रहा था, तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम था। ये रास्ते में दूर दूर खेत वगैरह भी नजर आ रहे थे। हो रहे हैं तकरीबन 10:30 और हम लोग गोरख रिसोर्ट रोड पे मौजूद हैं। पौने 11 के करीब हम पहुंच गए थे वाही पांडी। जीप से तमाम सामान निकाला, हाई रूफ में रखा और 1:15 के करीब हम पहुंच गए 7 रेस्टोरेंट। यहाँ पहुंचकर तो शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। ये वही रेस्टोरेंट है जिसे एपिसोड 1 में मैंने दिखाया था और नाश्ते वगैरह के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू भी दिया था। और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर लंच। लंच करने के लिए नाश्ते वाले एरिया से बिल्कुल अलग रूम दिया गया था हमें। हम कोई 12-13 लोग थे तो इस तरह की टेबल बाहर के एरिया में मौजूद नहीं थी, और बाहर काफी टेबल्स पे सर्विस ऑन हुई हुई थी, यानी लोग अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे मेरे ख्याल से, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। हमारी ये ग्रुप फोटो भी ली गई थी इंस्ट्रक्टर की तरफ से या फिर गाइडर जो भी थे वो उनकी तरफ से, तो मे भी इसलिए हमें इन सब चीजों की वजह से इकट्ठे बैठना पड़ा। और लंच में सर्व किया जा रहा था 7 रेस्टोरेंट की स्पेशल चिकन बिरयानी। यहाँ ये बिरयानी स्टील के पॉट में सर्व की जाती है जो कि सिंगल सर्विंग होती है। सर्विंग काफी अच्छी थी इस सिंगल पॉट में कि जो फीमेल्स स्पेशली थी उनसे तो ये पूरा पॉट खत्म ही ना किया गया। इतनी ट्रैवलिंग करके इतना स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता और वैसे भी हम सब थक चुके थे। मैं इस स्पेशल बिरयानी को रेट करूंगी 10 out of 10 क्योंकि मुझे तो इसमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। कोल्ड ड्रिंक, सैलड और रायता साथ में मौजूद था, एंड ऑफ कोर्स हैंड सैनिटाइजर भी मौजूद था। ये हमने ट्रैवलिंग किया सितंबर 2021 में और उस वक्त भी कोविड मौजूद था और आज भी कोविड मौजूद है और हमेशा रहेगा। तकरीबन 1:15 से 1:30 बजे तक हमने लंच कंप्लीट किया है और हम दोबारा अपनी हाई रूट में बैठ चुके थे और हम जा रहे थे कराची की तरफ वापस, यानी जिस तरह से आए थे बिल्कुल उसी तरह हम वापस जा रहे थे।
ये सफ़र वापसी में बहुत ज़्यादा थका देने वाला लग रहा था कि जल्दी से बस कराची आए और हम लोग अपने अपने घरों को जाएं। 2:30 बजे तक हम हाईवे पे पहुंच चुके थे और हाईवे का एरिया काफ़ी क्लीन और नीट था एज़ यूजुअल। तो हमें इतना टाइम नहीं लगा, हम तकरीबन 5:30 बजे कराची में पहुंच चुके थे, यानी कराची में दाखिल हो चुके थे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल में बहुत मजे मजे की रेसिपीज मौजूद हैं, हेल्दी टिप्स, सम लाइफस्टाइल आइडियाज, सम टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे मजे मजे के फूड कंटेंट्स भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ हम करते हैं गोरख हिल्स ट्रिप का इख्तिताम। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉच अवर अदर वीडियोज, स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।